नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई कमेंट्स आए कि आशीष भाई, हमें ये जो फ्लाई ट्रैप्स होते हैं और ये ग्लासेस यहां पर ये जो देख रहे हैं, चॉकलेट जिसमें लगी रहती है, मेलन फ्लाई ट्रैप्स होते हैं, इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो ट्रैप्स हैं और साथ में मेलन फ्लाई ट्रैप्स हैं, स्टिकी ट्रैप्स हैं, और साथ में एक नई हमने टेक्निक यहाँ पर लगाई है जो कि बटरफ्लाईज को ट्रैप करने के लिए है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम तरबूज की फील्ड पर हैं, इसमें ये सारी एसेसरीज का यूज़ किया गया है। इसका कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका कीमत होती है, क्या पर एकड़ मतलब हमको खर्च करना पड़ता है इसके लिए, क्या इसकी वैलिडिटी होती है, कितनी रिलायबल ये टेक्निक है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस फील्ड के ऑनर देवेंद्र जी छापरे से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपने ये तरबूज की खेती, जैसे अभी आपने ये फील्ड, शानदार फील्ड आपने बना रखी है, तो आप इसकी खेती कब से करते हैं सर? कितने साल हो गए हैं इस तरीके की खेती करते हुए आपको? कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल हो गए सर। आज हमको ये जो ट्रैप्स आपने लगा रखी है, जैसे यहाँ ये स्टिकी ट्रैप आपने लगा रखी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि ये ट्रैप किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें मच्छर आते हैं, जो भी है काले मच्छर आएंगे वो नीली में आएंगे, और बाकी दूसरी वो पीली वाली जो है उसमें दूसरे मच्छर आएंगे। अच्छा, मतलब ये दो कलर की ये ट्रैप्स होती है, दो अलग अलग, जो अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग मच्छर आते हैं इसमें, मच्छर वगैरह होते हैं जो इसका रस चूसते हैं, है जो, हाँ, हाँ। जो भी है वो सब इसी में आते हैं, उसको कंट्रोल करने में इसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों आप इसमें देख भी सकते हैं, ये बारीक 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 बहुत सारे मच्छर इस पे चिपके हुए हैं। ये सर, इसमें आपने कब लगाई थी, कितने समय हो गया इसको? इसको हो गया 10-15 दिन करीब। तो ये क्या, जो आप इससे कंट्रोल कर रहे हैं, ये थ्रिप्स वगैरह ये मच्छर जो भी हैं, ये क्या स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता? बहुत हद तक इसी से हो जाता है कंट्रोल, स्प्रे की जरूरत नहीं होती। आपकी वो वाली जो फील्ड है वो भी तरबूज की फील्ड है जी, तो उस पे भी ये लगे हुए हैं। तो सर, ये किस समय लगाते हैं, कितने समय, मतलब फसल जो है, जब फसल हम यहाँ पर चार पत्ती करते हैं। हाँ। तरबूज की चार पत्ती हो जाए जब लगा दो। अच्छा। इसमें मैं लेट हो गया था। हाँ। ये मिल नहीं रही थी, वो फिर बाद में लाए। हाँ। तो उसके बाद लगाई, तो वो अब उसमें तो जल्दी लगा दी, 4-5 पत्ती हुई है अभी उसकी, और ये थोड़ा लेट हो गया, मतलब वो एक सही समय है वहाँ पर, हमको मतलब दिख भी रहा है कि वो पौधे जो है बहुत छोटे हैं, ये लगा दिए। तो ये क्या सर, ये जैसे आपने ये लगाई है, तो ये फसल के आखिरी तक, हार्वेस्टिंग होने तक यही काम करेगी या फिर चेंज करना पड़ता है? नहीं, इसको फिर और जैसे मान लो जरूरत लगी अपने को डबल इसमें लेना है माल, पूरी अगर पैक हो गई है तो फिर उसको भी लगे रहने दो, दूसरे लगा दूसरी लगा दो। और इसको लगाने का क्या तरीका होता है सर? ये वैसे ये जैसे ये तो अभी गड़बड़ हो गई है यहाँ, ये पन्नी तो। हाँ। बाकी इसमें ये क्या है, पूरा लिक्विड है। हाँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा लिक्विड है। अब इसमें एक मक्खी भी बैठ गई। हाँ। तो उसके पूरे चिपक जाएंगे ये चिपके हुए। बड़ी बड़ी बटरफ्लाई भी दोस्तों ये देख सकते हैं, चिपक रही है इस पे। तो ये लिक्विड जो है इसमें, ये आपने क्या मतलब एक्सटर्नली लगाया है या फिर ये इस पर लगा हुआ है? साथ में आता है, साथ में आता है, साथ में आता है। ये जैसे 40 पैकेट, 40 नग है इसके पन्नी के। हाँ। इसमें 10 ये आएंगे, बाकी 30 वो पीले वाले आएंगे, तो उसी में इसको लिक्विड को लगाते जाओ ब्रश से अपने। हाँ। और लगा दो बस, और ये डंडी एक खड़ी करो। हाँ। तार बांध के खड़े कर दो। जो मेलन फ्लाई ट्रैप है ये कैसे काम करता है? ये जैसे फ्रूट बन जाता है। हाँ। अब इसमें है ये चॉकलेट, उसकी सुगंध से जो फ्रूट मक्खी आती है। हाँ। जो डंक मारती है, एक फ्रूट जैसा मान लो अपने लगा हुआ है उस पर एक वो बैठ गई। हाँ। तो उसकी इतनी त्वचा मुलायम होती फ्रूट की। हाँ। कि उसपे वो बैठ गई, उसकी टंग भी अगर लग गई तो उसपे छेद हो जाएगा, तो वो बाका तिरछा हो जाएगा। देख सकते हैं क्या सर यहाँ पे कोई? हाँ, है ना, ये थोड़ी लेट लगी थी चॉकलेट। हाँ। तो उसके कारण ये
ये जैसा ये फ्रूट है हाँ, ये फ्रूट पे यहाँ मक्की बैठी है। अच्छा ये इसमें एलन फ्लाई का ही कमाल है, ये लेट हो गई ये फ्रूट, तो इस पे ये बैठी हाँ, तो उसने यहाँ छेद हो गया, अब ये आगे भी नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा जरूर, मगर इसका साइज तो हो गया ना गड़बड़। हाँ मतलब सेब गड़बड़ हो गया, इसका सेब गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों ये इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो ये कुछ ये मेलन फ्लाईज हैं, ये सुनहरे कलर की, यही कमाल करती हैं दोस्तों, यही बिगाड़ करती हैं इस तरीके का, जो कि अच्छे भले फ्रूट्स को खराब करने का काम करती है। और ये ट्रैप की मदद से ये कंट्रोल करते हैं। ये सर इसमें ये जो इसको जिसको आप चॉकलेट बोलते हैं, ये क्या ये भी एक बार ही लगाना पड़ता है और ये पूरी फसल में? हाँ वो तो एक डेढ़ महीने की इसकी कैपेसिटी रहती है। अच्छा इसकी मतलब कोई डेढ़ महीने की वैलिडिटी पे काम करता है। और इसमें ये आपने ये इसके अंदर छेद है चॉकलेट के अंदर, वो तो कंप्लीट ही मिलता है। बदबू भी मार रही है, इसकी बदबू से मक्खियां अट्रैक्ट होती है और ये छेद में से आके सुगंध आती है, तो वो मक्खी उसी में जाती है डायरेक्ट और इस पे गिर जाती है। हाँ। फिर वो उससे बेहोश हो जाती है, मर जाती है। और ये तार से आपने बांध के सिंपली लटका दिया है। ये ग्लासेस हैं ये वाले जो फ्लाइज के ट्रैप हैं, मेलन फ्लाइज के, ये पर एकड़ कितने लगाने होते हैं हमको? ये 10 लगते हैं एक एकड़ में। एक एकड़ में मतलब पूरे खेत में ऐसे लगा दें कि बराबर हर जगह, मतलब हाँ। जैसे अभी दोस्तों आपको आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरे फील्ड में जगह जगह पर ये ग्लासेस और ये स्टिकी ट्रैप्स अलग अलग लगी हुई है, ऐसा कि यूनिफॉर्मली सब हो जाए। और ये ट्रैप्स सर कितनी लगती है एक एकड़ में? ये 40 लगती है एक एकड़ में। 40 लगती है, 10 नग नीली और 30 नग पीली वाली। अच्छा ये सेट के साथ में ही आता है? आती है उसके पूरी सेट आती है। और इसके और भी कोई कलर्स आते हैं इस? नहीं बस यही कलर आते हैं। तो ये जो आप पूरा सेट रहता है वो क्या कीमत होती है उसकी? जैसे 40 आपने ये ट्रैप्स हैं स्टिकी ट्रैप्स, ये 40 नग आते हैं उसमें, वो लिक्विड भी आता है हाँ, 350-350 रुपए के लगभग आता है। अच्छा मतलब बहुत सस्ते में जो है वो 2 महीने की अपने को 350 रुपए में एक स्प्रे भी नहीं होता, एक स्प्रे भी नहीं होता, तो उससे ये फायदा है ना। और ये जो मेलन फ्लाइज होती है वो उसकी क्या कीमत है? ये 60 रुपए का एक गिलास सहित आता है। अच्छा मतलब एक एकड़ में 600 रुपए ट्रैप्स लगते हैं, बहुत सस्ता है, एक स्प्रे के बराबर है दोनों बराबर। और ये फल मक्खी कहीं से नहीं मरती, बहुत कम मरती है हाँ। इससे तुरंत अपने तुरंत को दिखती मरी हुई दिख रही है अपने को, जैसे अभी देखा अपन ने। ये सर ये कब फसल कितने दिन की होने के बाद में आप लगाते हैं? रूट सेटिंग पे ये लग जाना चाहिए, इसमें थोड़ा लेट हो गया था मैं क्योंकि ये मिल नहीं रही थी, मतलब जब लगभग जैसे फ्लावरिंग पे ही है और लगा दो पहला फूल देखो और ये लगा दो हाँ, क्योंकि वहाँ हमने जैसे अभी देखा फ्रूट जो है वो हाँ, बहुत नरम त्वचा थी तो वो जल्दी से उसका वो थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसकी त्वचा हार्ड हो जाएगी, उसके बाद वो मक्खी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद में सर जो अपने जो बड़ी बटरफ्लाईज को ट्रैप करने के लिए जो अरेंजमेंट लगाया है वो देखते हैं। ये किस लिए मतलब लगाया गया है? ये जो टमाटर में फुद्दियाँ आती है तितलिया हाँ, वो इसकी सुगंध आती है। इसमें कैप्सूल रखा हुआ है, कैप्सूल है तो ये कैप्सूल की सुगंध आती है उनको फुद्दियों को, तो वो इसमें वो सुगंध से सुगंध लेने के बाद वो यहाँ पर ये दोस्तों हाँ वो यही मंडराती है, वो पानी में गिर जाती है, वो मंडराते हुए पानी में पानी की वजह से वो मरती हैं, तो उसके पंख में पानी लगता तो वो ऑटोमेटिक मर जाती है, वहीं रह जाती है, इसमें ही रह जाती है दोस्तों। ये अभी हम दिखा भी सकते हैं लेकिन ये इन्होंने अभी लगाया, इसको साफ कर दिया पानी तो हाँ। अच्छा ये साफ कर दिया इसलिए यहाँ पर नहीं है, इसको साफ कर देते हम। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि हमको एडिशनल कोई स्प्रे वगैरह नहीं लेके, और ये जैसा इस तरीके के ये क्या कीमत है सर इसकी? इसकी 250 रुपए। दोस्तों ये 250 रुपए में केवल जो है ये तितलियां कंट्रोल हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है ना, स्प्रे करने से मतलब कम स्प्रे करने से अपनी फसल को और जमीन वगैरह को भी नुकसान कम होता है, हमको भी नुकसान खाने में कम होता है। और ये सारी जो दोस्तों आज हमने आपको ये ट्रैप्स और ये बताई है, ये सर ये क्या और दूसरी फसल में किन किन फसलों में यूज की जा सकती है? ये जैसे ये पनिया और तरबूज में भी काम दे देती है ये भी हाँ दे देती है। और ये जो मेलन फ्लाइट और स्टिकी ट्रैप्स है वो और कौन कौन सी फसल में काम आ जाता है? वो सभी में आती है, मिर्ची में आती है, तरबूज में आती है, टमाटर में आती है, गिलकी में आती है। अच्छा मतलब ये में आती है, सभी में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें दोस्तों।